good morning dear children for class 3 in english grammar in previous video i had explained some parts of speech and two more left so so i now we i make you understand conjunction in previous video i had explained pre, preposition नाउ कंजक्शन ठीक है अ कंजक्शन इज अ वर्ड वर्ड्स और सेंटेंस टूगेदर कंजक्शन वो वर्ड है जो दो शब्दों को जोड़ता है जैसे राम एंड श्याम आर गोइंग टू स्कूल राम एंड श्याम राम और श्याम तो इन दोनों वर्ड के बीच में क्या है एंड है और ये दोनों शब्दों को जोड़ रहा है जैसे राम और श्याम कहा जा रहे हैं स्कूल जा रहे हैं। डू यू लाइक टू ईट मैंगो और बनाना डू यू लाइक टू ईट मैंगो और बनाना क्या तुम क्या खाना चाहते हो मैंगो खाना चाहते हो या बनाना यानी और ये दो शब्दों को जोड़ रहा है मैंगो और बनाना को जोड़ रहा है ठीक है तो और एंड बिकॉज बट ये सब क्या हो गए हमारे कंजक्शन हो गए नाउ लास्ट इंटरजेक्शन एंड इंटरजेक्शन इज अ वर्ड दैट एक्सप्रेसेज सम सडन फीलिंग और इमोशन इंटरजेक्शन जो होता है वो हमारा जो एक्सप्रेशन हो हमारी जो अंदर की फीलिंग होती है या फिर हम खुश हो रहे हैं या फिर दुख हो रहे हैं या फिर गुस्सा कर रहे हैं तो उस चीजों को जो हमारा व्यक्त करता है उसको कहते हैं इंटरजेक्शन जैसे हुर्रे अलास ब्रावो ओ तो एग्जांपल्स मैंने आपको दिखाए हुर्रे वी हैव वन द रेस मींस हम लोग क्या कर गए रेस को जीत गए अलास ही इज डेड अलास मीन्स दुख में हम जब बात कर रहे हैं तो अलास ही इज डेड यानी वो मर गया नाउ ब्रैबो वेल हिट मीन्स बहुत अच्छी हिट थी यानी कस के जो हिट हम लोग लगाते हैं छक्के मारते हैं तो वो उसकी इजहार को हम लोग करते हैं ब्रेबो वेल हिट ओ आई फॉरगोट टू डू माई होमवर्क मीन्स आह हम तो भूल गए क्या करना भूल गए होमवर्क करने भूल गए लेकिन बच्चों आप होमवर्क करना मत भूलिएगा तो हमारा नेक्स्ट एक्सरसाइज है पिक आउट नाउन्स नेमिंग वर्ड प्रोनाउन वर्ब्स एक्शन एंड एडजेक्टिव डिस्क्राइबिंग वर्ड्स फ्रॉम द सेंटेंस गिवन बिलो राइट इन द करेक्ट कॉलम अब यहाँ नाउन प्रोनाउन वर्ब्स और कॉलम दिए गए हैं और उसमें आपको सेंटेंस है और उसको सही 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 कॉलम में सारे वर्ड को छाट के आपको लिखना है तो पहला है आपका वी रेस्पेक्ट आवर एल्डर्स तो यहाँ वी जो हो गया हमारा क्या है प्रोनाउन है रेस्पेक्ट क्या हो गया वर्ब हो गया आवर क्या हो गया प्रोनाउन हो गया और एल्डर्स क्या हो गया नाउन हो गया अ टोट वॉक्स स्लोली तो हमारा टोटोइ क्या हो गया नाउन हो गया वॉक्स क्या हो गया वर्ब हो गया ओके नाउ द टाइगर इज अ वाइल्ड एनिमल टाइगर हमारा क्या हो गया नाउन हो गया एनिमल क्या हो गया नाउन हो गया इज क्या हो गया वर्ब हो गया और वाइल्ड हमारा कैसा जानवर है तो एडजेक्टिव हो गया यानी यहाँ पे विशेष गुण को बता रहा है द is इज big कंट्री USA और कंट्री हमारा क्या हो गया नाउन हो गया इज हो गया हमारा वर्म और बिग क्या हो गया आपका एडजेक्टिव हो गया है तो बाकी के सेंटेंसों को मैंने आपके लिए आपकी सुविधा के लिए आपके लिए किया है आप उसको ध्यान से देखो और समझने की भी कोशिश करोगे यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस सेंटेंसेज एंड You have to learn it also, okay, dear children, and you have to fill in your book also. If you have taken your book from the school, then you have to fill it in your book. and if those students who are not have your book, then you have to write it on your copy and make it learn also. okay. So dear children, हमने आपके लिए किया है आप इसको ध्यान से देखोगे और सारी चीजों को बनाने की कोशिश करोगे ओके नाउ नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारा है फाइंड द एडवर्ब्स प्रिपोजिशन कंजक्शन एंड इंटरजेक्शन ठीक है तो इन द सेंटेंसेस गिवन बिलो राइट इन द करेक्ट कॉलम अब जो हमारा है वो क्या करना है प्रीपोजिशन छाटना है एडवर्व छना है कंजक्शन एंड इंटरजेक्शन ये सबको हमें छाट के आपको अलग अलग कॉलम में दिए गए कॉलम में लिखना है फर्स्ट ब्रैवो वेल हिट ब्रैवो ये किस चीज को एक्सप्रेशन कर रहा है तो ये क्या हो गया इंटरजेक्शन यानी ब्रैवो ठीक है तो उसी तरह ही डज हिज वर्क रेगुलरली यानी वो जो है वो अपना काम कैसे करता है रेगुलरली यानी हमेशा करता है रेगुलर करता है तो किस काम को करता है रेगुलर करता अपना काम तो यहाँ पे रेगुलरली क्या हो गया एडवर्ब हो गया उसी तरह मिसेस जेन ड्रिंक्स टी इन मिसेस मिस जेन ड्रिंक्स टी इन अ रेड कप यानी मिसेस जेन जो है वो चाय पीती है किस कप में पीती है रेड कप में मीन्स यहाँ पे चाय पी रही है तो ड्रिंक्स टी लेकिन किस में पी रही है रेड कप तो यहाँ इन जो लगा है वो हमारा क्या है प्रीपोजिशन है वाओ दिस ड्रेस लुक्स ग्रेट वाओ मीन्स खुशी का इजहार कर रहे हैं आप किसी एक्सप्रेशन का इजहार कर रहे हैं फीलिंग्स का इजहार कर रहे हैं तो ये हमारा क्या हो गया इंटरजेक्शन हो गया ओके okay? दिस ड्रेस लुक्स ग्रेट तो वाओ क्या हो गया हमारा इंटरजेक्शन हो गया माई मदर क्विकली बेक केक फॉर मी मीन्स मेरी माँ ने केक बनाया और क्या बनाया केक बनाया कितनी क्विकली बनाया क्विकली हमारा क्या हो गया है एडवल्व हो गया लाइक डेट क्वेश्चन नंबर सिक्स करंट राइट नीटली करण कैसा लिखता है नीटली लिखता है तो नीटली हो गया हमारा द चाइल्ड स्लेप्ट साउंडली चाइल्ड कैसे सो रहा है साउंडली सो रहा है यानी साउंडली हमारा एडवर्ब हो गया सनी कम्स हेयर डेली सनी यहाँ पे रोज आता है कैसे आता है रोज आता है तो ये डेली हमारा हो गया आपका एडवर्ब We must watch the show quietly. यानी हमें शो को कोई भी शो को कैसे देखना चाहिए Quietly देखना means यहाँ पे quietly क्या हो गया Adverb हो गया Praveen ran fast but missed the train. Praveen ran fast. Praveen दौड़ा था तेज दौड़ा था बट मिस द ट्रेन लेकिन ट्रेन छूट गई लेकिन यहाँ पे लेकिन जो है दो शब्दों को जोड़ रहा है तो ये बट हो गया हमारा कंजक्शन हो गया ओह आई फॉरगोट टू ब्रिंग लंच टूडे आज तो मैं लंच लाना भूल गया तो ओह oh, क्या है ये हमारा इंटरजेक्शन है ट्वेल्व ही इन्वाइटेड मी टू हिज हाउस ही इन्वाइटेड मी टू हिज हाउस ये यहाँ पे टू जो लगा है ये हमारा क्या है प्रीपोजिशन है ओके okay? But hai, fire is hot. But, jo hum, mein, ice इज कोल्ड बट फायर इज हॉट Ice ठंड है ठंडा है बट यहाँ पे बट जो है फायर इज हॉट बट जो जोड़ दिए हम दो शब्दों के बीच में आइस ठंडा है लेकिन आग जो है बहुत गर्म है तो बट जो हमारा हो गया वो कंजक्शन हो गया हुर्रे वी हैव वन द मैच अब ये खुशी का इजहार कर रहे हैं फीलिंग्स का इजहार सडन फीलिंग का इजहार हो रहा है तो यहाँ पे हुर्रे क्या होगा इंटरजेक्शन रमन एंड रितु आर बेस्ट फ्रेंड रमन एंड रितु हम दो शब्दों को जोड़ रहे हैं तो ये हमारा एंड जो हो गया वो हमारा कंजक्शन हो गया तो सो डियर चिल्ड्रेन आई हैव कम्प्लीटेड योर एक्सरसाइजेज लेसन थ्री सो आई होप यू हैव यू ऑल अंडरस्टूड दिस सो फाइनली यू हैव टू नोट इट डाउन इन योर बुक एंड लर्न इट ऑल्सो Stay home. Stay safe. Thank you.